हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक स्प्लेंडर प्लस के न्यू मॉडल के बारे में। इंडिया में अभी देखा जाए तो पेट्रोल के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो ऐसे में भाई साहब सभी लोग डेली कम्यूटिंग के लिए 100cc बाइक को ही परचेस कर रहे हैं, और जो फीचर्स आपको पहले 110 यहाँ तक कि 125cc सेगमेंट की बाइक में देखने को मिलते थे, वो फीचर्स अब आपको 100cc की बाइक में मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और स्प्लेंडर प्लस का जो करेंट मॉडल है उसमें आपको पिछले 2 सालों से कोई भी कॉस्मेटिक अपडेट देखने को नहीं मिले हैं, जिससे ये तो कन्फर्म है कि स्प्लेंडर प्लस का न्यू मॉडल आपको काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को इसके न्यू मॉडल के बारे में जानने में थोड़ी सा भी इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्प्लेंडर प्लस के न्यू मॉडल में आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट अपडेट आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। इसमें अब आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। जैसा मीटर कंसोल अभी आपको पैशन प्रो वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही मीटर कंसोल आपको स्प्लेंडर प्लस के न्यू मॉडल में भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर और डिजिटल में आपको फ्यूल गेज, सर्विस माइंडर, ट्रिप मीटर, क्लॉक और भी कुछ बेसिक फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट के साइड में बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का हेडलैम्प और LED DRL देखने को मिल जाएंगी। रियर के साइड में भी बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन की टेल लाइट देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। बात कर लें अगर टायर साइज के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, प्लेटिना 100 में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो स्प्लेंडर प्लस के न्यू मॉडल में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और रियर के साइड में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस ABS या फिर CBS। वैसे काफ़ी कम चांस है कि इसमें आपको ABS देखने को मिले, इसमें आपको CBS ही देखने को मिल जाएगा। और बाकी इंजन वगैरह, माइलेज वगैरह, गेयरबॉक्स वगैरह, सस्पेंशन वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेंगी। और बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो मान के चलिए कि इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में, तो स्प्लेंडर प्लस का न्यू मॉडल आपको जून या फिर जुलाई तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।